हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आपके चैनल में स्वागत है। बहुत से जातकों के नाखून पर अर्ध चांद दिखाई देता होगा, आपके नाखून पर भी ये चांद हो सकता है, और अगर नहीं होता है तो भी घबराने की बात नहीं, हम दूसरे साइन आपको उनके साथ साझा करेंगे। लेकिन जिन भी जातकों के नाखून पर अर्ध चांद अगर दिखाई देता है, ऐसे जातकों के बारे में आप आज बहुत सी विस्तारपूर्वक चीज़ें जानेंगे। लेकिन क्या आपके हाथों में अर्ध चांद है? अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ, हमारे हाथों में, हमारे उंगलियों में अर्ध चांद है। अब रही बात जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, अगर वो आपसे मिलती है तो वो भी बातें आप बताइएगा कि हाँ है। तो आज ये रहस्य हम जानेंगे और इसके पीछे बहुत सारी बातें आज आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात है कि जिन भी जातकों के हाथों में इस तरह का अर्ध चांद होता है, ऐसे जातक बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि यह चंद्र का कारक होता है। व्यक्ति बहुत भावुक होता है, मदद के लिए आतुर होता है, बिना मांगे मदद करने वाला जातक होता है, और बहुत संवेदनावादी होता है। किसी भी व्यक्ति की परेशानी, दुख, तकलीफ को बिना बोले समझ जाता है, और उनके वश में जो मदद हो पाती वो ज़रूर उनकी करता भी है। और कई बार मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे जातक उनकी परेशानी के चक्कर में, उनकी परेशानी में खुद परेशान हो जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें उनकी लाइफ में होती है उसकी परवाह किए बिना वो फिर भी वापस अपनी मदद करते हैं। और ऐसा गुण, यह गुण इनमें पाया ही जाता है। किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, पर प्राय जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। और यह गुण अगर आपके हाथों में यह चांद है तो आप में ज़रूर है। आप खुद को एक बार ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे जातकों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, इनका मन शुद्ध होता है, इनकी आत्मा शुद्ध होती है, और ये कभी भी जाने अनजाने में किसी का अहित या बुरा नहीं चाहते हैं, और ईश्वर की इन पर असीम कृपा होती है। इनके मन में कई सारे डर भी होते हैं, कई सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इन पर ईश्वर की बहुत बहुत कृपा होती है। इनके काम होते हैं, चीज़ें बहुत स्मूथली लाइफ में होती है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत चिंताएँ करते हैं, और ऐसी चीज़ें मन में, कल्पनाओं में ले आते हैं कि जो नहीं है उन चीज़ों को ये स्वीकार करके लाइफ को जीते हैं। तो उसे मन से निकाल दें, क्योंकि जो आपकी कल्पना है, जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नकारात्मक अच्छा ही होगा, बेहतर होगा।